हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलून फैक्ट। गाइस, इससे पहले मैंने एक शॉर्ट्स डाली थी, एस कलर मैंने उस पर करके दिखाया था, और जो हमारे मॉडल थे उनके पहले से कलर ट्रीटेड हेयर थे। काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर भी रहे थे, मुझे पर्सनल उन्होंने इंस्टाग्राम पर तक मैसेज किया है कि आपने ये कलर किस तरीके से किया है। और गाइस, आप लोग कमेंट करो, मैं उसके बारे में वीडियो ना बना ऐसा हो नहीं सकता। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा थ्योरिकली बताने वाला हूँ कि एस कलर आप किस तरीके से कर सकते हैं। आप स्ट्रिक्स में, अगर आपके पास सीरीज है, शॉर्ट्सकॉफ में है, या फिर वेला में है, या फिर लॉरियल में है, तो आप इन कलर को यूज करके किस तरीके से एस कलर कर सकते हो। गाइस, आपको किस किस का ध्यान रखना चाहिए एस कलर करते समय, आपका कैसा टेक्सचर होना चाहिए, और आपको गाइस हमेशा डर लगा रहता है कि एस कलर से बाल रफ हो जाते हैं, बन हो जाते हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं जिस कारण उनके बालों की जो इलास्टिसिटी वीक ना होए। तो गाइस, प्रॉपर थ्योरी में लेकर आया हूं कि एस कलर हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको जो एस कलर करना है, तो सबसे पहले आपको हेयर को एनालाइज करना है। एनालाइज मींस गाइस, आपको हेयर का टेक्सचर देखना है कि किस तरीके का आपके पास हेयर आया है। या तो वो हेयर आपका हो सकता है वर्जन, ठीक है गाइस, या फिर वो पहले से केमिकल ट्रीटेड हो सकता है, या तो वो बालों पे काफी ज्यादा किसी की मेहनहीना की या फिर कास्टिंग हेयर कलर की कोटिंग हो सकती है। तो आप कौन से हेयर पे आप एस कलर ला सकते हो, मैं प्रॉपरली सिंपल तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ। गाइस, आप वर्जन वाले बालों पे या फिर केमिकल ट्रीटेड हेयर पे एस कलर ला सकते हो। हीना हेयर या फिर मतलब कास्टिंग हेयर है, उस पर एस कलर आप मत लाना। काफी लोग लाकर भी दिखाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि उन्होंने कितने टाइम तक लगाई थी, कौन सी हीना लगाई थी, बस आपने माइंड में रट लिया था कि उसने मतलब या किसी ने हीना वाले बालों पे या फिर कास्टिंग वालों पे एस कलर किया था, हम भी करेंगे। यहाँ पर आप जिम्मेदार होगे गाइस, क्योंकि यही साले हेयर पे प्रीलाइटेड 9 से 10 लेवल की चीज होती है, यहाँ हेयर बर्न होना स्टार्ट कर देगा। सो गाइस, जो मैंने वीडियो डाली थी वो केमिकल ट्रीटेड हेयर थे, तो केमिकल ट्रीटेड हेयर पे गाइस क्या था, प्रीलाइटनिंग जब आप करते हो तो थोड़ा जल्दी आपको अंडरकोट अचीव हो जाता है, जो हमें एस कलर के लिए चाहिए होता है। तो गाइस, आपको हेयर एनालाइज करना है और आपको देखना है कि उनके हेयर की जो इलास्टिसिटी है वो कैसी है, या वो इलास्टिसिटी थोड़ी वीक है, या वो इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, या बाल पतला है, या फिर बाल थोड़ा सा आपका थिक है। ठीक है गाइस, अगर थिक है थिन है वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर बालों में थोड़ी इलास्टिसिटी होनी चाहिए, वरना हेयर में काफ़ी ज़्यादा ब्रेकेज आ जाएगी, बाल बीच में टूटने लग जाएंगे। एस कलर तो गाइस हो जाएगा आपका, लेकिन बाल काफ़ी ज़्यादा सेंसिटाइज हो जाएंगे। बाल क्लाइंट हमेशा यही बोलेगी कि जब भी मैं कॉम कर रही हूँ तो बाल बीच में से टूट रहा है, क्योंकि गाइस जब उस हेयर पे जब हम प्री लाइट करते तो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस हमें ओवर हो जाता है उस टाइम, जब बाल थोड़ा थिन होता है। तो बालों को मैं बताता हूँ, वर्जन हो या केमिकल ट्रीटेड हो, उस वाले बालों में इलास्टिसिटी अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा गाइस, आपको हेयर एनालाइज करना आ गया, दूसरा आपको क्या करना है, प्री लाइट करना है। प्री लाइट आपको हेयर को करना है। अब हम मुझे नहीं पता आप एस में हाईलाइट्स कर रहे हो, ग्लोबल कर रहे हो, ओम्ब्रे कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप एस कलर का गाइस सिंपल सा ग्लोबल भी कर रहे हो ना, तो आपको प्री लाइट करनी पड़ेगी। एस कलर में प्री लाइट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये सब आप सभी को पता होगा। और आपको यूज़ करना है फॉइल, क्योंकि गाइस जो हमें लेवल चाहिए होता है वो हमें 9 या 10 लेवल का चाहिए होता है, पेल येलो या फिर पेलेस्ट येलो। ये यहाँ पर हमें जब इतना ऊपर लेकर जाना पड़ता है, हमें अंडरकोट इतना ऊपर ले जाना पड़ता है, तो गाइस हमें फॉइल यूज करनी ही करनी है, क्योंकि इससे हमारा जल्दी कलर आ जाता है और जो हमारा जो हेयर है उस पर प्रॉपर हीट लगती है, तो जो कलर जो आता है हमारा इवन आता है, अंडरकोट जो आता है हमारा इवन आता है। तो हमें फॉइल यूज करनी है, 9 से 10 लेवल तक का पेल या पेलेस्ट येलो तक आपको अंडरकोट अचीव करना है। अगर इससे कम अंडरकोट आपको अचीव हो रहा है 7 या 8 का, तो गाइस आप भूल जाना कि आपका एस कलर आने वाला है, क्योंकि 9-10 के लेवल पर ही एस कलर आता है, वरना काफी लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारा एस कलर तो आता ही नहीं है। दूसरा, आपको डेवलपर जो यूज करना है ब्लॉन्डर के साथ, अगर बाल थिन है तो आपको 30 यूज करना है, अगर आपके हेयर थिक है तो आपको 40 यूज करना है, और अगर आपके बाल पहले से केमिकल ट्रीटेड हेयर या उस पर और कोई कलर हो चुका है या हुआ है, तो आपको 30 वॉल्यूम यूज करना है। और गाइस, मैं आपको यहाँ बात बता दूं, अगर आपने जैसे कि फॉइल लगाई है 30 वॉल्यूम या फिर 40 वॉल्यूम से, आपको कभी कभार हो सकता है कि एक बार में अंडरकोट अचीव ना होए, पहले बार में आपको 7 या 8 लेवल का अंडरकोट अचीव हुआ है, तो आपको दोबारा प्रीलाइट करने पड़ेगी, उस पर दोबारा एप्लीकेशन करने पड़ेगी ब्लॉन्डर की, तब जाके आपका 9 से 10 लेवल का अंडरकोट अचीव होगा। आपको मानना है कि 9 से 10 लेवल का आपको अंडरकोट चाहिए ही चाहिए।
और अगर आपका 9 से 10 लेवल का अंडरकोट अचीव हो जाता है, आप सभी को पता पेल येलो कैसा दिखता है, उसमें येलो की टोन बिल्कुल ही कम रहती है, बाल थोड़ा व्हाइट की तरफ पहुंच जाता है, और जब उसमें थोड़ा सा जो येलो की टोन रहती है तो तीसरा स्टेप हम फॉलो करते हैं सिल्वर शैम्पू। सिल्वर शैम्पू आपको यूज करना है जो वॉयलेट कलर का होता है, जो इसको हम ब्लू शैम्पू के नाम से जानते हैं, तो शॉर्ट्स ऑफ में आता है गुड बाय येलो के नाम से। आपको शैम्पू सेक्शन पे ही ये शैम्पू उनको यूज करना है। और काफी लोग कमेंट करते हैं कि गाइस कि हमें सिल्वर शैम्पू या गुड बाय येलो, जो ब्लू शैम्पू पर्पल शैम्पू आते हैं, उनका इतना रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, क्या आप उससे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उसको लगाते ही आपका जो हेयर का येलो टोन है बिल्कुल खत्म हो जाएगी? गाइस वो शैम्पू है, एज अ टोनर है, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट खत्म करेगा। ये नहीं है कि वॉयलेट शैम्पू है येलो टोन खत्म करता है, आप ब्लोंड कलर पे डाल दोगे तो येलो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जस्ट रिफ्लेक्शन वो खत्म करता है। और काफी लोग उस क्या करते हैं 4-5 मिनट लिए वो तुरंत वॉश कर देते हैं उस शैम्पू को। आपको कम से कम 10 मिनट अच्छे से इमल्सीफाई करना है शैम्पू को अच्छे से, और ऐसे रब करके हल्का सा ऐसे मतलब शेड को देखना है कि कितना आपका येलो टोन न्यूट्रलाइज हो चुकी है। और गाइस गुड बाय येलो या फिर सिल्वर शैम्पू आप यूज करके जब इसका वॉश कर दोगे तब आपको कंफ्यूजन होती है कलर ट्यूब सिलेक्शन की, या कौन सा कलर ट्यूब आपको चूज करना है, कलर ट्यूब कौन सा आपको चूज करना है। तो गाइस कलर ट्यूब चूज करने में अगर आप लोरियल की सीरीज में खेलते हो तो आप एस कलर के लिए 9.11 यूज कर सकते हो, 12.1 यूज कर सकते हो, 7.11 यूज कर सकते हो। जो सबसे अच्छा एस कलर आने वाला है वो गाइस 9.11 और 12.1 से आने वाला है। अगर आप 12.1 यूज करो तो इसमें आप थोड़ा सा जो मतलब 15 ग्राम जो है 9.11 डाल सकते हो, क्योंकि एस की मात्रा इसमें थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो पहले कलर आता था 12.11 आता था, लोरियल ने बंद कर दिया उसे 12.1 कर दिया है। लिटिल बिट आपको प्रॉपर एस नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा डीप एस चाहिए, थोड़ा दबा हुआ एस चाहिए, एस कलर चाहिए, ज्यादा वाइब्रेंट नहीं चाहिए, तो आप 7.11 यूज कर सकते हो, इनका 6.11 आता है। इस तरीके का आप मतलब डेप्थ कम करके एस कलर कर सकते हो। और गाइस बात करते हैं अगर आप स्योर्स्कोफ की फैमिली में खेलते हो, मतलब स्योर्स्कोफ के कलर ज्यादा यूज करते हो, या फिर काफी लोग होते हैं कि उनके हाथ में एक सीरीज के जो कलर है ज्यादा सेट रहते हैं, तो आप कौन सा यूज कर सकते हो, 12-2, 10-2-1, इन दोनों को आप हाफ हाफ क्वांटिटी में मिक्स करके उस हेयर पे डिपॉजिट कर सकते हो। डिपॉजिट करने का तरीका भी मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको डिपॉजिट करना है। 8-1, 9.5-1, इसका तो मैंने कहा प्रैक्टिकल भी डाला है, वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, 9.5-2। तो भाई इस ये सारी सीरीज आप एज कलर को लाने के लिए कर सकते हो। 12-2 में आपको 10-21 आपको डालना पड़ेगा, 10-21 आपको मिक्स करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका पेक प्रॉपर एस आने वाला है। और गाइस वेला में बात करते हैं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि आपको एक अच्छा एस कलर कैसे मिलेगा, ना कि आपको 6.1-7.1 बता दूंगा, क्योंकि वो भी एक ऐसा वो दवा हुआ ऐसा आता है, मैं प्रॉपर एस आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जिस तरीके से मैंने ये एस कलर किया था। वेला में कर सकते हो आप 12-8-1, 12-9-6, 12-1, ये सीरीज आप यूज कर सकते हो वेला में। और स्ट्रिक्स में गाइस ज्यादा मतलब कलर ट्यूब में ऑप्शन नहीं है एस कलर में, उस पर बस 9.1 है या फिर 6.1 है या फिर, तो इस तरीके से 9.1 मेरी मानोगे तो 9.1 अच्छे तरीके से यूज करना, और इसमें आप हल्का सा 0.5 सेंटीमीटर ब्लू कटर डाल लेना, तब जाके आपका प्रॉपर एस आएगा। स्ट्रिक्स का ही कटर आता है ब्लू, सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर डालना है, ज्यादा आपको नहीं डालना है। और गाइस ये सब जो डिपॉजिट हो गए वो आपको डेवलपर यूज करना है 20 वॉल्यूम में ही, जो हमारा डिपॉजिट होता है 10 वॉल्यूम में होता है या फिर 20 वॉल्यूम में होता है। अगर आपके पास 10 वॉल्यूम अवेलेबल है आप 10 वॉल्यूम में कर सकते हो, 20 वॉल्यूम अवेलेबल है 20, लेकिन 30-40 आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करना है हेयर के अंदर अच्छे से पिगमेंट हमें डालने हैं, तो 20 वॉल्यूम हमारा डीप कलर मतलब डीप अंदर हेयर के अंदर तक डिपॉजिट करता है, तो आपको 20 वॉल्यूम यूज करना है यहाँ पर। काफी लोग गड़बड़ कर देते हैं 30 या 40 वॉल्यूम लेके, तो उनका क्या होता है थोड़ा वाइब्रेंसी तो रहती है, थोड़ी कहीं ना कहीं येलो टोन भी उस हेयर में देखने को मिलती है। डिपॉजिट कैसे करना है गाइस, सबसे मेन बात कि आपको डिपॉजिट कैसे करना है। डिपॉजिट गाइस आपको वेट हेयर पे करना है, वेट मीन्स गीले बाल पे करना है, शैम्पू सेक्शन पे ही करना है। और ये जो कलर ट्यूब आप इसमें से एक सिलेक्शन कर सकते हो 20 वॉल्यूम के साथ, आपको अच्छे से मिक्स करके
गीले बाल पर ही आपको 30-35 मिनट लगा देना है और विजुअली चेक करना है, साथ ही साथ शैम्पू सेक्शन पे बालों को ऐसे खोल के चेक करना है कि कितना आपका डीप एस कलर आया है। वो देखना थोड़ा ना डार्क की तरफ पहुंचने लग जाएगा, आपको लगेगा कि बाल ना वापस ब्लैक हो रहा है, इस तरीके से आपको सेट देखने को मिलेगा गीले बालों पे। लेकिन आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, काफी लोग डर जाते हैं कि बाल मतलब हेयर डार्क हो रहा है, वापस कहीं ब्लैक तो नहीं हो रहा। लेकिन गाइस आपको 30-35 मिनट आपको यूज करना है डिपॉजिट कलर, इतना तो आपको मिनिमम रखना ही रखना है। और आपको छठा स्टेप आपका यही है कि आपका जो हेयर कलर है 35 मिनट के बाद आपका अच्छा कलर आ जाएगा, ध्यान आपको उनके हेयर पे शैम्पू एंड कंडीशनर करके वो अच्छी सी स्टाइलिंग देनी है। आप वेवर यूज कर सकते हो स्टाइलिंग के लिए, आप टोंग यूज कर सकते हो, टोंग आपकी 28 या फिर 25 नंबर की होनी चाहिए। पतले पतले कर्ल्स करोगे तो कलर में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, वो सिर्फ हेयर स्टाइल में अच्छे लगते हैं, जो कलर की स्टाइलिंग होती है वो अलग ही होती है। और या फिर आपको आइनिंग कर्ल्स कर सकते हो, इसके आइनिंग कर्ल्स भी अलग होते हैं जो कलर के बाद हम करते हैं। अगर आपको ये सीखना है कि हेयर कलर के बाद जो हम स्टाइलिंग करते थे, आपने देखा होगा कलर की रौनक बढ़ा देती है जो आप हम कर्ल्स करके देते हैं क्लाइंट को, और आपको फाइनल रिजल्ट में जो वीडियो बनती है कर्ल्स करके वो रौनक बढ़ा देती है। और ये स्टाइलिंग आपको अगर सीखनी है कि कलर के बाद स्टाइलिंग कैसे करते हैं, तो गाइस आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो गाइस आई होप गाइस आपको अच्छी वीडियो समझ आ गई होगी कि एस कलर आप किस तरीके से कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि होम केयर क्लाइंट को किस तरीके से करनी है, क्योंकि काफ़ी लोगों की यही शिकायत रहती है कि क्लाइंटों की कि मैं एस कलर करा के तो गई थी लेकिन वो बिल्कुल भी मतलब बालों में स्टे नहीं करा, कुछ महीने में वो येलो टोन पे आ गया। गाइस हमारे जो हेयर के अंडर कोट है ना वो सारे वॉर्म की तरफ है और एस कलर जो है हमारा वो कूल कलर है, तो जब अंडर कोट हमारा वॉर्म जो बालों में ना पिगमेंट बनते रहते हैं तो येलो टोन तो आनी ही आपको क्लाइंट को समझानी है। कलर प्रोटेक्शन शैम्पू यूज़ करना है और कलर प्रोटेक्शन कंडीशनर यूज़ करना है। अगर आपको नहीं पता कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कलर प्रोटेक्शन शैम्पू कंडीशनर कौन से होते हैं, सब में आते हैं शॉर्ट्स को फैमिली में, लोरियल फैमिली में, आप गूगल पे भी सर्च करोगे इजीली आपको मिल जाएगा, सीरीज एक्सपर्ट में आते हैं लोरियल के कलर प्रोटेक्शन शैम्पू और कंडीशनर। और गाइस आपको विक में क्लाइंट को बोलना है 1-2 बार गुड बाय येलो शैम्पू या फिर लोरियल का सिल्वर शैम्पू यूज करें। इससे क्या होगा, जैसे क्लाइंट के बालों में येलो टोन जो बनेगी ना ये उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। और गाइस जैसे उनके कलर 1.5-2 महीने बाद या 3 महीने में फेड होता है, उनको आप सजेस्ट करें कि आप बालों में दोबारा डिपॉजिट करवा लें टोनर से, वो वाइब्रेंसी आपकी वापस आ जाएगी। तो गाइस एस कलर मैं आपको बता दूं काफी लोग कैरी नहीं कर पाते क्योंकि इनकी जो होम केयर है काफी ज्यादा मुश्किल होती है और बालों का जो जिस हिसाब से लेवल ले जाना पड़ता है वो इंडियन हेयर पे बहुत मुश्किल से अचीव करना पड़ता है। अचीव का मतलब ये होता है कि गाइस कि बालों की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। अब बात करते हैं कि किसी के बाल फाइन है और उनकी इलास्टिसिटी आपने करते करते ब्लोंडर आप मतलब प्रीलेट कर रहे हो करते करते वीक हो गई है, तो उसको आप कैसे रिपेयर कर सकते हो, आपको बालों में प्लेक्स यूज करना है। आप जब भी प्रीलाइट कर रहे हो ना आपको 4-8 ml उसमें ओला प्लेक्स, वेला प्लेक्स या फिर कोई प्लेक्स ट्रीटमेंट डालना है, तब जाके आपको प्रीलाइटनिंग करनी है। तो गाइस आपको मैंने बता दिया कि प्रीलाइटनिंग प्लेक्स डालकर ही करनी है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी गाइस वीडियो को लाइक कर देना, और आपका इस ये कलर ट्यूब यूज करके आपको सेम ऐसा ही कलर आने वाला है, वो काफी ज्यादा अच्छा कलर आने वाला है। अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि कलर मतलब मैं पूरा अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप एस कलर क्लाइंट पे कैसे करोगे, तो आप ज्यादा नहीं एक कटेड हेयर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, कटे हुए हेयर पे एक कटे हुए बालों का स्ट्रैंड पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो 9-10 लेवल की प्रीलाइट करके, ये कलर ट्यूब डिपॉजिट करके उनका रिजल्ट देख सकते हो धीरे धीरे। आई होप गाइस आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा एस कलर करने के लिए, और काफी ज्यादा तो लोग कराते नहीं है, ये एशियन हेयर के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है 9-10 लेवल की प्रीलाइट करना। फॉरनर कंट्री के जो लोग हैं उन पे इजीली आ जाता है क्योंकि उनका जो हेयर नेचुरल लेवल ही होता है वो 6-7 का मिल जाएगा, 8 लेवल के उनके पहले से होते हैं, 10 पे बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं, सिर्फ 2 या 3 लेवल ही लिफ्ट करना पड़ता है। लेकिन हमारे इंडियन हेयर तो 3-5 तक होते हैं, 3 का मिल गया तो 4-5-6-7-8-9-10-7 लेवल उनके बालों को हमें लिफ्टिंग करनी है सिर्फ ब्लोंडर से। तो गाइस आपको खुद ही पता होगा कि हेयर की क्या हालत हो जाती है। अगर वो ये डिमांडिंग चॉइस है, क्लाइंट अगर चाहती है तो आप प्लेक्स वगैरह यूज करके करो और काफी ज्यादा सेफ होता है प्लेक्स के साथ कलर करना। तो आई होप गाइस आपको अच्छे से वीडियो समझ आ गई होगी एस कलर आप कैसे कर सकते हैं।
थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होगी मुझे कमेंट कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। सो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके टेक केयर, बाय बाय।